इन्होंने कहा था कि जो यहाँ पे बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, क्या था इसने, इसने फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स दोनों को क्या किया था, दोनों को आधार बनाया था, ठीक है। इन पॉवर्टी के लिए एक बास्केट लिया, यानी एक टोकरी लिया, उसमें फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स यानी खाद्य वस्तुएं और गैर खाद्य वस्तुएं, इससे पहले जो भी समितियां थी वो केवल फूड आइटम्स पे कैलकुलेट करती थी, ठीक है, खाद्य वस्तुओं पे पॉवर्टी को डिफाइन करती थी, गणना करती थी, समझ रहे भैया, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि फूड के साथ साथ इन्होंने नॉन फूड आइटम्स को भी ऐड करना शुरू किया, कि आदमी कपड़ा भी लेता है, आदमी रूम रेंट भी लेता है, आदमी एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल भी करता है, तो वो भी तो आधार चाहिए को डिफाइन करने का, नहीं। इन्होंने खाद्य एवं गैर खाद्य वस्तुओं और बताइए, अलग और लकड़ा वाला जो था उन्होंने क्या किया था, मैंने बताया था आप लोग भूले भूल गए होंगे, अलग समिति और लकड़ा वाला ने, तो जो लोग नए हैं उनके लिए बता दे रहे हैं, ये दोनों भाई साहब केवल फूड आइटम्स को काउंट किया था, ठीक है, केवल खाद्य वस्तु, और ये तेंदुलकर समिति फूड आइटम्स एंड नॉन फूड आइटम्स यानी खाद्य एवं गैर खाद्य वस्तुओं दोनों को काउंट कर लिया था। इसमें क्या सवाल आएगा, जैसे मान लीजिए कपड़ा हो गया, यानी किराया हो गया, रेंट हो गया, इस टाइप का जो भी, यानी फूड आइटम से इतर जो भी आप एक्सपेंस करते हैं, खर्च करते हैं, उसको इन्होंने आधार बनाया था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया था इन्होंने, बताइए, भूल गए, गुड। बिल्कुल, इन्होंने एक दिया था एमआरपी, एमआरपी बोले तो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस था, एमआरपी दिया था इन्होंने, यानी मिक्स्ड रिकॉल या रेफरेंस पीरियड, इसका हिंदी है मिश्रित स्मरण या संदर्भ समय अवधि, लिख लेंगे आप लोग, मिश्रित स्मरण, रिकॉल मतलब याद करना, आपसे जब सर्वे आएंगे तो फिर आपको याद करना होगा, कॉन्टेक्स्ट ये है, पहले आप लोग लिख लीजिए फिर एक्सप्लेन करते हैं, मिश्रित स्मरण या संदर्भ समय अवधि, लिया। इससे पहले लकड़ा वाला समिति ने किसका यूज किया था, यूआरपी का, यूआरपी बोले तो लकड़ा वाला ना, इन्होंने यूआरपी का यूज किया था, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, यानी समान संदर्भ, समान स्मरण या संदर्भ समय अवधि, यूआरपी से तात्पर्य था कि जब एनएसएसओ वाले आपके यहाँ आएंगे सर्वे करने,
तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया पिछले 30 दिन में आपने सभी वस्तुओं पर कितना खर्च किया, तो वो आपको बता देना होगा। तब वो पॉवर्टी को उस आधार पर वो कैलकुलेट करते थे, उस आधार पर वो गणना करते थे, ये URP करते थे, ठीक है। केवल 30 दिनों का, 30 दिनों का टाइम फ्रेम था जिसमें बताना होता था। इन्होंने क्या, तेंदुलकर भाई साहब ने, इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ी सी इनइक्वालिटी आ जाती है, असमानता आ जाती है पॉवर्टी को डिफाइन करने में, कैलकुलेट करने में, गणना करने में। कहा हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ आइटम्स को रख लेते हैं जो एक साल के लिए, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे आइटम्स हैं जो हम डेली बेसिस पे नहीं खरीदते हैं, जैसे कपड़ा है हम डेली थोड़ा ना खरीदते हैं, फुटवेयर है हम डेली खरीदते हैं, खर्च है हम डेली नहीं करते हैं। एक बार आपने अच्छे स्कूल की फीस भर दी तो फिर आप नेक्स्ट ईयर ही भरोगे ना, एक साल के बाद ही भरोगे, ठीक है। हेल्थ पे भी कोई कंटिन्यू नहीं करता। तो इन्होंने कहा कि 5 फुट आइटम्स को इन्होंने आधार बनाया, कहा इसको हम बाहर करते हैं, इस पर एक साल में मानेंगे, जब सर्वे वाले आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया 5 आइटम्स पे आपने साल में कितना खर्च किया ये बता दो, ठीक है। और फिर रेस्ट जितना आइटम है उस पर बता देना होगा आपको कि 30 दिन में कितना खर्च किया आपने, यानी 5 आइटम्स के अलावा। 5 आइटम्स कौन कौन है, पहला क्लोथिंग हो गया कपड़ा, दूसरा फुटवियर जूते चप्पल, तीसरा स्वास्थ्य शिक्षा, चार हो गया, पांच हो गया ड्यूरेबल गुड्स, यानी टिकाऊ वस्तुएं, अस्थाई वस्तुएं। ड्यूरेबल गुड्स में क्या आएगा, चेयर टेबल फ्रिज कार, नहीं ये सब हो गया ड्यूरेबल गुड्स जो आप एक बार खरीदते। चेयर आप बार बार थोड़ा ना खरीदते, एक बार खरीद लिए वो एक चलेगा ना, साल दो साल तो चलेगा ही, ठीक है। तो 5 फूड आइटम्स को इन्होंने सेट किया जिसमें केवल आपको एक बार बता देना होगा, सर्वे वाले आएंगे पूछेंगे भैया ये बता दो कि पिछले ये पूरे एक साल में आपने इस 5 वस्तुओं पर कितना खर्च किया। अच्छा ये बताना आसान है या टफ है, आ देगा कोई याद बता देगा, आसान है ना, बता ही देंगे कि जो हाँ कपड़ा पे मैंने पिछले महीने या 4 महीने पहले भाई की शादी थी तब मैंने खरीदा था, या दीदी की शादी थी तब मैंने खरीदा था, इस टाइप से नहीं। पिछले 6 महीने ताऊ जी PMCH में भर्ती थे तब बाहर से दवाई लेना पड़ा था, तो इतना इतना ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ रहे हैं ना मोटा मोटा। अच्छा ये बताना कि इसका आखिर रीजन क्यों इन्होंने इस 5 आइटम्स को सेपरेट किया, कुछ ना कुछ तो कॉज होगा, रीजन तो होगा ही, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मतलब सब्जी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, सब्जी पनीर मटन चिकन, अच्छा टिकाऊ वस्तु, हाँ सही बोल रहे हैं आप, क्या कहते हैं जैसे ये जो 5 आइटम्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फेस्टिवल है, पर्व त्यौहार है, जैसे ईद है, बकरीद है, दीपावली है, छठ है, उससे जस्ट पहले NSSO वाले आ गए सर्वे करने, तो तब क्या आएगा, उस टाइम में तो लोग काफ़ी कपड़े खरीदते हैं, फुटवेयर खरीदते हैं, ये सब सामान पे काफ़ी एक्सपेंस होता है उस टाइम में। यदि उस टाइम होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा दिखाएगा खर्च, और जिस टाइम में फेस्टिवल नहीं है, फंक्शन नहीं है, उस टाइम पे सर्वे वाले आ जाएंगे तो उस टाइम पे तो लोग ना के बराबर शॉपिंग करते हैं ना, तो ये असमानता दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, दिखाएगा। इसी आप जाइए सीधा सीधा पूछ लीजिए कि भैया पिछले एक साल में आपने, पूरे एक साल में आपने 5 आइटम्स पे कितने खर्च किए ये बता दो, फिर रेस्ट आइटम्स पे पिछले 30 दिनों में आपने कितना खर्च किया ये बता दो, ये रीजन है कि सेपरेट करने, समझ गए नहीं समझे, ये पॉवर्टी समाप्त हो ना, तो जितने इसके मेन पॉइंट्स हैं वो तो 5-10 मिनट में अब शायद समाप्त होने वाला है, खुशी की बात है कि अब समाप्त हो जाएगा, आज से कल तक में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या नहीं बहुत दुखी होंगे, कितना दिन से गरीबी चल रही है, चलिए कोई नहीं, सॉरी अभी स्टार्टिंग हुआ, समाप्त होने वाला है, इसका हो जाएगा, कारण क्या है, फिर वे फॉरवर्ड आ जाएगा आगे। हाँ थोड़ा सा देख लेंगे कि इसके जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर एक आएगा मल्टी डायमेंशन, हाँ
टीबी दूर करने का? नहीं नहीं यहीं पढ़ लेंगे, जब के तब आपको पता चलेगा कि आप पढ़े हुए हैं, कुछ ऐसा यूनिक नहीं बताएंगे हम, वहीं बताएंगे जो आपको लिखवाया जा चुका है इस क्लास में ना। अच्छा अब आप ये बताओ कि MRP URP दोनों सेम है या दोनों की तुलना में कौन बेहतर माना जाएगा? MRP माना जाएगा, बिल्कुल MRP URP के तुलना में थोड़ा बेहतर है, ठीक है, थोड़ा व्यापक है, राइट। और आपको पता होगा कि सरकार अभी भी तेंदुलकर नीति का प्रयोग कर रही है, ठीक है। अच्छा इन्होंने निर्धनता को का वर्गीकरण ग्रामीण और शहरी आधार पर, पता होगा लोगों को, बताइए जी जी। और अच्छा और कुछ, इन्होंने निर्धनता का क्लासिफिकेशन किया था ना, वर्गीकरण, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। देखिए ये डाटा मैंने बताया था ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, 1000 करता है या 2000 करता है या करता है, ठीक है। आप किसी से पूछ लोगे इवन वो भी नहीं बता पाएंगे आपको। एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसके वर्गीकरण का आधार क्या था, मतलब एनालिसिस आपको जानना है, विश्लेषण करना है, नहीं तभी तो आप सिस्टम में आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया कुछ बताइए कैसे कैसे होगा, कैसे किस आधार पर फिर आगे हम लोग फ्रेम करेंगे, बताइए। शहरी के लिए इन्होंने क्या किया था, ₹32.40 किया था ये इन्होंने, लेकिन हम लोग 32 मानते हैं जनरल, 32 ₹32 शहरी क्षेत्र। ग्रामीण के लिए अच्छा ये आपको नहीं लग रहा, यानी ये पर पर्सन पर डे है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ये लिख लीजिएगा आप लोग ना, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, पर पर्सन पर डे, ये मात्रा तो में इधर से होगी ना, ठीक है, सही लिखा मैंने। अच्छा हाँ अच्छा ये बताना भैया कि ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो इन्होंने डाटा दिया था, एस्टिमेट किया था, आकलन किया था तेंदुलकर समिति वालों ने, अनुमान लगाया था कि शहरी क्षेत्र में जो भी व्यक्ति प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ₹32 कमा रहा है वो क्या है, गरीबी रेखा से बाहर है, ऊपर है, जो इससे कम कमा रहा है बुधई रामलाल सेवालाल वो क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा कि ये बहुत कम है, सॉरी बहुत कम है ना, कितने लोग भाई साहब से एग्री कर रहे हैं, यानी कितने लोगों को लग रहा है कि इसमें जो ₹32 यार बहुत कम है, इसमें तो कॉफी भी नहीं आएगी। ये 2011-12 के मूल्यों पर है, ये लिख लेना भैया, यानी ये 2011-12 के मूल्यों पर, ये 2011-12 को आधार बनाया गया था, ठीक है, उस पे था। हाँ बताइए भैया, कम है या ज्यादा, यदि ₹32 कोई कमा रहा है तो उसके लिए सफिशियंट है या कम है, कम है ना, कम लग रहा है आप लोगों को, सभी लोगों को, यानी सभी लोग सहमत हैं क्या भैया, बताओ आप लोग भी बोलिए, आज़ादी तो है ही आप लोगों को भी, बराबर की हिस्सेदारी है खास करके बिहार में, बताइए बताओ भैया, सॉरी नहीं इकोनॉमी जाने दीजिए आप, 2011-12 में जो मूल्य था उस आधार पे इन्होंने कहा कि शहर में जो भी लोग बुधई ताल सेवालाल ₹32 कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, और ग्रामीण क्षेत्र में यदि सेवालाल ₹27 कमा रहा है तो
तो वो भी पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, यानी मान लिया जाएगा कि वो न्यूनतम आवश्यकता को फुलफिल कर पा रहा है, अदरवाइज यदि 27 नहीं कमा रहा है तो मान लिया जाएगा कि बुधई गरीब है। क्या बताइए? बहुत कम है जी। ये कम नहीं है, ये निम्न है। आपसे पूछा जाएगा, इवेन इसका क्रिटिसाइज सुप्रीम कोर्ट तक ने भी किया था। उस टाइम में भारत के जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट थे इकोनॉमिक्स के या और सब भी फील्ड के, जो बेताज बादशाह थे, उन सभी ने कहा था कि ये तेंदुलकर वालों ने बहुत कम कर दिया। ठीक है, 32 रुपया में, और इतनी 32 में आप रहना पढ़ना खाना लिखना सब था, यानी पर डे के हिसाब से ना। हाँ, सब ने क्रिटिसाइज किया, इवन सुप्रीम कोर्ट तक ने भी तेंदुलकर वालों को जबरदस्त लतार लगाई थी कि ये तुमने किस आधार पे ये मूल्यांकन किया। लेकिन लेकिन जो है ना, बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन ये कम नहीं था। वर्ल्ड बैंक जो निर्धनता, उनका जो पॉवर्टी लाइन था, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, उससे ये ऊपर है। लोग देख, विश्व बैंक ने जो एक आधार बनाया था निर्धनता रेखा का, उससे ऊपर है ये तेंदुलकर वाले का। ठीक है, विश्लेषण हम लोग ये करेंगे। ठीक है, ये कम है या ज्यादा, अच्छा अभी कर लेते। आप लोगों के मन में होगा कि शुभस्य शीघ्रम, ना रावण ने कहा था कि शुभस्य शीघ्रम, शुभ शीघ्र कर लेना चाहिए, तुरंत कर लेना चाहिए। हम जाते हैं। चलो, माना जाता है ना कि एक परिवार में 5 होते हैं, 5 लोग होते हैं। ठीक है, यानी ये अर्बन एरिया को ले लेते हैं, शहरी क्षेत्र को ले लेते हैं। तो बुधई के परिवार में 5 लोग हैं, बुधई, रामलाल, सेवालाल और 2-3 लाल होंगे। तो 32 × 5 = 160। ठीक है, समझना भैया आराम से। ठीक है, धीरे धीरे चलेगा क्लास, जब तक कोई समझ ना लेंगे अच्छे से तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद आप लोगों का क्लास होगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब तक पॉवर्टी अच्छे से नहीं समझ लेंगे और क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो जाएगा बजावते, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए, यानी 160 रुपया क्या हो गया, बुधई का जो परिवार है वो एक दिन में कमा लेता है। लेकिन हमारे यहाँ जनरली सैलरी मिलती है 30 दिन पे, मिलती है ना। इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 × 48, यानी 4800 हो जाएगा। 2011-12 के आधार पे है ये 4800 रुपया पर मंथ। लिखते चलिएगा, यहाँ सत्यनारायण भगवान के कथा की तरह यदि आप लोग सुनेंगे तो फिर भूलना तय है, 2-3 दिन के बाद ही भूल जाएंगे सब कुछ। ठीक है, हम आपकी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात भी कह रहे हैं, यदि आपके जगह पे हम भी रहेंगे तो भूलेंगे, क्योंकि क्लास में बहुत कुछ रिदम चल रहा होता। अच्छा, कल हम नहीं आए फॉर दैट, हम मतलब कल आने की स्थिति में थे नहीं, अदरवाइज आ जाते। 4800 रुपया अब बुधई की फैमिली पर मंथ कमा रहा है। ठीक है, ये 2011-12 की स्थिति है, उसके बाद से ना ये सब आप लिखेंगे टाइप से तो चीजें याद रहेंगी और समझ में आ जाएगी। 2011-12 के बाद से 2017-18 तक ही जो है 40% बढ़ा है, 40%, अभी तो 55-60% तक हो गया है। ठीक है, इन्फ्लेशन समझ रहे हैं ना। हाँ, तो महंगाई है सीपीआई के आधार पे, क्योंकि जो कुछ भी खरीदते हैं मूल्यांकन होता है सीपीआई के आधार पे, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। हम आप जो खरीदते हैं वो खुदरा बाजार से खरीदते हैं, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स पे तो खरीदते नहीं है ना, थोक मूल्य सूचकांक पे खरीदते नहीं है। इसीलिए हम लोग जो भी खरीदते हैं तो उसकी गणना होती है सीपीआई के आधार पर। और सीपीआई डब्ल्यूपीआई क्या होता है, इसको डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। सॉरी, हाँ, तो ये सीपीआई के आधार पर इसका गणना होता है,
और मैंने बताया कि 2017-18 तक में, 2011-12 में इस आधार पे था, इसके ठीक नेक्स्ट ईयर यानी 12-13 में ही 10% इन्फ्लेशन क्या हो गया था, बढ़ गया था। आप देख के गूगल पे सर्च कर लेना, तो उस टाइम में ही इन्फ्लेशन 9 से 10% के आसपास। यदि 32 रुपया यहाँ बुधई कमा रहा है मान लीजिए 11-12 में, तो इस आप कर दो तो कितना हो गया, इतना हो गया यानी 35 रुपया 20 पैसा हुआ ना, हुआ। ये तो ऐसे ही समझ लीजिए आप, इस 4800 में यदि आप 23-24 में आ जाएंगे तो 50 से 60% क्या हो गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया। समझ में आ रही है ना? बहुत लोगों को नहीं आ रही है, आपको नहीं आ रही ना? आ रही है? अच्छा, पूछेंगे बाद में तो बताइएगा। हाँ बहुत अच्छा, गुड। ये बुधई है, बुधई 32 रुपया कमा रहा है, ठीक है, पर डे मजदूरी करता है बुधई, उसको 32 रुपया मिल जा रहा है। शहर में ईटा ढोता है, उसके घर में 5 सदस्य हैं, बुधई, रामलाल, सेवालाल, धनिया भी है उतनी, ठीक है, वो सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं, 5 सदस्य हैं। एक दिन की मजदूरी उसकी कितनी हो गई, 160 रुपया हुआ ना, 32 को 5 से गुना करने पर। तो एक महीना यदि वो कंटिन्यू यही मेट्रो में काम करेगा कितना मिल जाएगा, 4800 रुपया मिलेगा ना, 4800। 4800 उसे 2011-12 में मिल रहा था, ठीक है। अब जो है यही 4800 रुपया का जो इन्फ्लेशन है वो महंगाई बढ़ी 2017-18 में 40% तक इन्फ्लेशन बढ़ चुका था, यानी जो 32 को वो आप 40 यानी 40% बढ़ा तो 32 गुना 140/100 कर दोगे तो उसका रियल वैल्यू आ जाएगा 17-18 में। हम 23-24 में एक टेंटेटिव एक मान लेते हैं कि 50% बढ़ गया है, ठीक है। तो 4800 में 50% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, पचास प्रतिशत बढ़ा 7200 होगा, आप लोग क्या 6000 आएगा, 7200 होगा शायद, होगा ना। आप बाहर जाओगे ना तो बिहार को जाना जाता है, यहाँ हर घर में मैथमेटिशियन रहते हैं, लेकिन आप लोग इतना देर से कैलकुलेशन किए, कोई नहीं। अब समझिए 23-24 में वही बुधई जो 2011-12 में 4800 कमाता था, 23-24 में उसकी परिवार की आय कितनी हो गई अभी, 7200। आप क्या समझ रहे थे कि अभी भी बुधई को 4800 ही मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। जैसे मान लो कोई आदमी 10 साल पहले कहीं काम कर रहा था तो उसकी सैलरी 10 साल के बाद बढ़ती है या उसी बेसिस पे रहती है, सैलरी बढ़ जाती है तो सामान्य सी बात, कॉमन सी बात है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो अब बुधई की फैमिली की आय कितनी हो गई, 7200। अब आप मुझे ये बताइए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, अब आप मुझे ये बताइए कि बुधई को 7200 रुपया में मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है यानी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा 7200 में अभी के डेट में। सॉरी, ये हो जाएगा नहीं होगा इसमें मत रहिए, डायलमा में नहीं रहिए, बिल्कुल हो जाएगा। यानी न्यूनतम आवश्यकता, पॉवर्टी से आशय थोड़ ना है कि आप मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू पे चढ़ोगे, पॉवर्टी लाइन से अर्थ सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पॉवर्टी लाइन से आशय ये है कि कंफर्टेबल लिविंग नहीं है ना, जो आप आरामदायक जिंदगी जिएंगे कि घर जाएंगे तो एसी लगी हुई हो, सोफा हो, बाहर आप निकले तो बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, रेंज रोवर, इस ये तो है नहीं, यानी कंफर्टेबल लिविंग है ना, कि न्यूनतम आवश्यकता आपकी पूर्ति हो जाए। बुधई अब थोड़ी सोचेगा कि बोरिंग रोड में या बेली रोड में चाचा के आवास के जस्ट बगल में अपना कोठी हो, ऐसा तो सोचेगा ही नहीं बुधई। बुधई बिल्कुल सोचेगा एकदम गाय घाट से भी उधर बिल्कुल गंगा के किनारे में कहीं 1000 वाला वो कमरा ले लेगा, लेगा ना। राशन की दुकान के लिए वो बुधई क्या कहते हैं, धनिया को भेज देगा कि सरकारी जो राशन की दुकान है वहां से चावल दाल गेहूं सब ले आना, राशन की दुकान होती है ना जहां से मिल जाती है सरकारी रेट पे, ठीक है, राशन की दुकान से चावल दाल तेल सब्जी ले लेगा। अपने बच्चे टुन्नू मुन्नू को भेज देगा राजकीय कन्या मध्य विद्यालय पटना, जहाँ भी हो सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ने,
तो न्यूनतम आवश्यकता तो उसकी पूर्ति हो ही जाएगी ना 7,000 में, नहीं होगी? हो जाएगी। परिवार से तो सामान्य सा अर्थ ही है, जब आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे, कि एक परिवार में वो अपना बुधई और बुधिया हो गई, दो उसके बच्चे हो गए, और या और भी एक दो लोग होंगे, यानी सामान्यतः माना जाता है कि 5 आदमी का एक परिवार होता है। 4 ही लोगों का होगा तो 4 ही लोगों के आधार पे तो कंज्यूम भी तो कम करेगा वो। नहीं, गांव में नहीं रहते क्या आप? नहीं, वो ये जनरल बातें नहीं हो रही हैं, जो एक सामान्यतः जो सोसाइटी में होता है कि गांव में यदि 60 साल जी हैं कोई, तो वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, किसी के यहाँ वो लेबर का काम कर रहे होते हैं, ठीक है, सामान्य काम ही करते हैं। यदि कोई अंटी है तो वो किसी के यहाँ मान लो मेट का ही काम कर रही हैं, ठीक है, धनिया है तो वो कुछ और ही काम कर रही हैं, समझ रहे हो आप? तो ये कहने का अर्थ ये है कि सामान्य रूप से 32 रुपया उसको कमा रही डे के हिसाब से ना, ये कहना चाह रहा है। एक ही आदमी, 3 ही आदमी है तो वो कुछ ना कुछ कर रहा है, पड़ोसी के यहाँ ही कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ठीक है, आपके यहाँ बर्तन ही धोने आ रहा है वो, इसलिए ये कहना चाह रहा है। तो अब ये बताइए कि ये कम है या ज्यादा है, यानी इसकी जितनी आलोचना की गई थी पूछा जाएगा तो ये कहना है कि हाँ निम्न है, अति निम्न नहीं है। जैसे उन दिनों एक्सपर्ट ने कहा था कि ये तो अति निम्न है, बहुत मजाक उड़ाया गया था इसका, ठीक है, बड़े पैमाने पर उस टाइम में जितने सारे न्यूज़पेपर हैं उसमें बड़े आर्टिकल थे और भयंकर इसका क्रिटिसाइज किया जाता था कि किस आधार पर और इतना कम रखा गया, क्योंकि इसी 32 और 27 रुपया में आपको सब कुछ करना था, रहना था, पढ़ना था, खाना था, लिखना था, ठीक है। तब तेंदुलकर वालों ने कहा कि भैया ये हमने कम नहीं किया है, वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है, ठीक है, पॉवर्टी लाइन, उन्होंने जो डिफाइन किया है उससे हम ज्यादा ही रखे हैं, पॉवर्टी लाइन वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग तो इससे भी कम हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने जो शहरी क्षेत्र पे मान लीजिए अर्बन एरिया पे इन्होंने 32 दिया था ना, और रूरल एरिया में 27, तो इसका वेटेड एवरेज तो निकल जाएगा, भारी औसत कैसे निकलेगा बताइए, नहीं समझ में आया भारी औसत क्या होता है। भारी औसत से अर्थ ये है कि 32 के कॉरेस्पॉन्डिंग, 32 के अनुरूप शहर में कितने लोग कमाने वाले हैं 32 रुपया, और 27 के अनुरूप यानी 27 के कॉरेस्पॉन्डिंग गांव में 27 रुपया कमाने वाले कितने लोग हैं, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो भारी औसत निकल जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए गांव में 60 लोग रहते हैं, ठीक है, ओके, और ये 60 लोग जो हैं 30-30 रुपया क्या है पर पर्सन 30 रुपया कमा रहा है, तो ये टोटल कितना हो गया 1800। शहर में 40 लोग हैं और ये 40 रुपया जो है कमा रहा है पर पर्सन, सिक्सटी थर्टी प्लस फोर्टी इंटू फोर्टी अपॉन 100, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो ये हो गया भारी औसत, समझ में आया। यानी 60 को से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 1800, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 1600, 1800 1600 जुड़ जाएगा 3400, 3400 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो भारी औसत कितना हो गया 32 और 27 का 34, समझ गए। और
तेंदुलकर समिति के अनुसार निर्धनता रेखा जो है उन्नीस सौ तिरानवे चौरानवे में उन्होंने कितना बताया था, 36। पैंतालीस पॉइंट 8% ना, यानी लगभग ये 46% हो ही गया। और 2011-12 में कितना बताया था उन्होंने, 21.9%, यानी लगभग 22%। और आपको पता होगा, मैंने जिक्र किया था क्लास में कई एक बार, कि इंडिया में अभी पॉवर्टी का सबसे लेटेस्ट आंकड़ा जो है यही है, 21.9%। ठीक है, यदि मान लीजिए आप पूछ भी लिया जाए बजावते इंटरव्यू में या कहीं भी, तो इसी डाटा को बताना है। और इकोनॉमिक सर्वे में भी इसी का यूज किया जा रहा है, क्योंकि 2011-12 में ही मैंने बताया था कि पूरे देश में कॉम्प्रिहेंसिव वे में व्यापक पैमाने पर सर्वे हुआ था, उसके बाद से व्यापक पैमाने पर सर्वे नहीं हुआ, छोटे छोटे पैमाने पर सर्वे हो रहा है। जैसे आपको बताया था मैंने कि PLFS जो है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, जैसे लेबर ब्यूरो है, ये सब जो करवाती हैं तो तीन तीन महीना पे करवाती हैं, लेकिन छोटे छोटे, जैसे पटना का जिला का ही इसको लेना है आंकड़ा, जो यहाँ पे कितने लेबर फोर्स हैं और उसमें कितने एम्प्लॉयड हैं और कितने अनएम्प्लॉयड हैं, तो पता चला कि अशोक राजपथ में 10-15 लोग पूछ लिया या 100-150 लोगों से हो गया, उसी आधार पर उन्होंने डिफाइन कर दिया। लेकिन ये क्या अप्रोप्रिएट आंकड़ा होगा? नहीं, नहीं होगा। इसीलिए अभी तक जो लेटेस्ट आंकड़ा है हमारे पास वो 21.9। अच्छा, लकड़ा वाला को मैंने बताया था कि लकड़ा वाला कितना बताया था 93-94 में ही, 36 बताया था ना इन्होंने, ईयर सेम ही था ना 1993-94 में ही, लेकिन तेंदुलकर ने बता दिया कि यहाँ पे इतने गरीब हैं, 46% लगभग, यानी 10% ज्यादा बता दिया इन्होंने कि जो गरीब है। तो ऐसा क्यों बताया होगा? एग्जैक्टली, यानी ये नॉन फूड आइटम्स को भी शामिल कर लिया था, और लकड़ा वाला केवल फूड आइटम्स पे, लकड़ा वाला और अलग जो थे ये केवल खाद्य वस्तुओं को शामिल किया था, और तेंदुलकर पहली बार जो है नॉन फूड आइटम्स को भी कैलकुलेट किया और उस आधार पर पॉवर्टी लाइन डिफाइन किया। ठीक है, इस सीधा यदि आपसे पूछा जाए कि क्यों ऐसा हुआ था, तो एक शब्द में उत्तर है कि निर्धनता रेखा को जो व्याख्यायित करना था, डिफाइन करना था, इसके लिए जो पैरामीटर थे, मानदंड, क्योंकि पहले खाद्य वस्तुओं को शामिल किया जाता था फूड आइटम्स को, और अब उस पैरामीटर में, उस मानदंड में नॉन फूड आइटम्स को भी शामिल कर दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए लकड़ा वाला ने कहा कि जो यहाँ तक गरीब है, यानी ये पॉवर्टी लाइन इन्होंने डिफाइन किया, ठीक है, तो तेंदुलकर समिति ने कह दिया नहीं, ये 46%, तो ये गरीबी क्या हो गई, पहले यहाँ तक थी, अब ये यहाँ तक बता दिया कि भारत में इतनी परसेंट आबादी जो है गरीबी में है। ठीक है, इसलिए और वर्ल्ड बैंक के अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अनुसार कितनी थी गरीबी, जैसे 21.9 बताया ना मैंने तेंदुलकर के अनुसार, तो विश्व बैंक के अकॉर्डिंग कितना, क्या 2.1,
यानी भारत में 2 ही प्रतिशत, मैंने बताया था कि विश्व में 1/3 जो पॉवर्टी है वो इंडिया में ही है। अभी का लेटेस्ट आंकड़ा है कि 228 मिलियन, 228.9 मिलियन जो गरीबी है वो भारत में है विश्व, ठीक है, यानी 1/3 पॉवर्टी यहाँ है, उसके बहुत सारे रीजन से मैंने बताया था। इन्होंने कहा था 21.9 ना, विश्व बैंक ने कहा 21.3। और भारत में विश्व में कितना है? 12.8। यानी तेंदुलकर समिति की जो निर्धनता रेखा है वो विश्व बैंक से क्या है? पर है जी, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक भी 2011 के आधार पे जो बताया। ये टोटल परचेजिंग पावर पैरिटी पे है वर्ल्ड बैंक का, यानी क्रय शक्ति समता के आधार पर। पीपीपी क्या होता है पता होगा ना आप लोगों को? हाँ हाँ विश्व, नहीं, करेंट में भैया चेंज है। हाँ लेकिन व्यापक पैमाने पर यदि देखा जाएगा तो इसी को इन्होंने आधार बनाया है वर्ल्ड बैंक वालों ने भी, उनका जो अपना सर्वे हुआ है तो उन्होंने भी, वो भी तो डाटा एनएसएसओ से लेता है, उसका क्राइटेरिया अलग है, उनके जो कसौटी है उनके मानदंड अलग है, ठीक है, जिस आधार पे वो। पीपीपी क्या होता है? अभी जैसे पर कैपिटा परचेजिंग पावर पर पैरिटी के आधार पे कितनी गरीबी है क्या? मैंने बताया था कि अभी रिसेंट में अपडेट किया है सितंबर 2022 में, $2.15 ना, सॉरी, परचेजिंग पावर पैरिटी, इससे पहले एक मिनट बता रहे हैं, इसको इन्होंने 2022 में अपडेट किया, इससे पहले कितना था? 1.90, यानी ये भी डॉलर में है, यूएस डॉलर में, इससे इससे पहले कितना था? ये तो 2015 में इन्होंने किया, 1.25। ये सब याद नहीं रखना है, बस ऐसे ही बता दे किस तरीके से इन्होंने किया यूएस वर्ल्ड बैंक। ये 1.90 डॉलर जो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर जो पॉवर्टी लाइन इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने निर्धनता रेखा बताया कि यदि कोई एक कोई भी आदमी यदि $1.90 प्रत्येक दिन यदि कमा रहा है तो वो विश्व बैंक के अनुसार निर्धनता रेखा से ऊपर है, कहने का अर्थ ये है, ठीक है। इसको इन्होंने 2015 में चेंज करा था, इसको इन्होंने 2022 में चेंज करा ना। मतलब ऐसे ही रफ आइडिया के लिए एक हम बता रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पीपीपी समझ रहे हैं ना, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर क्रय शक्ति समता क्या होता है बताइए। बिल्कुल, क्या बताइए, मैंने डिफाइन किया था शुरू में, बताया था प्रॉपर,
इसमें से बहुत लोग नहीं होंगे ना, तुम थे ना भैया, बताओ क्या था क्रय शक्ति समता, क्या होता है? ब्रीफ में बता देते हैं, डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे अभी इंडिया में किसी एक आदमी की यानी पर कैपिटा इनकम कितना है, 1,72,000 है, यानी जीडीपी को हम लोग दो आधार पे निकालते हैं, एक नॉमिनल और रियल, ठीक है? तो ये हो गया नॉमिनल, नॉमिनल को बोलते हैं नाम मात्र। जी, तो 1,72,000 ये क्या है, रुपया में है। इसको यदि डॉलर में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 83 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2,072 जो भी आएगा मान लो। यानी इसी के अराउंड आएगा आई थिंक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डॉलर में, जबकि ये रियल नहीं होता है। ये रियल क्यों नहीं होता है, मैंने बताया था ना आप लोगों को, नहीं बताया था? बताया था। ये हो गया पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय हुआ डॉलर, और एक होता है रियल जीडीपी। अभी एक डॉलर के पैरेलल में कितना रुपया है इंडियन, बताइए? 83.6। वो तो भैया वही नॉमिनल हो गया, आपको समझे ही नहीं है इसीलिए याद नहीं है। यानी रियल जीडीपी में पीपीपी के आधार पे एक डॉलर का वैल्यू जो है ओईसीडी के अनुसार, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के अनुसार, 17 रुपया है। मैंने लिखवाया था, बताया था आपको, लेकिन अभी के रिसेंट में एक डॉलर के बराबर इंडियन करेंसी जो है वो 24 रुपया। हाँ ठीक है, तो वो 24 रुपीज है। क्यों है 24th रुपीज, यानी एक डॉलर में जितना सामान आप अमेरिका में खरीद लोगे यानी लिविंग स्टैंडर्ड के आधार पे है, उतना ही सामान आप 24 रुपया में आपको इंडिया में मिल जाएगा, इसलिए इस आधार पे। तो यहाँ पे आप 1,72,000 को डिवाइड कर दो 24 से, तो कितना आ जाएगा, ये 7,166 के आसपास आएगा, मे बी, देख लेना जो भी। ये क्या है, ये रियल माना जाता है, ये वास्तविक है, ठीक है? क्योंकि हमारा जो परचेजिंग यही हुआ पीपी, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, क्रय शक्ति समता के आधार पर। और मैंने आपको लिखवाया भी था कि ये रियल जीडीपी में हम जो है थर्ड पोजीशन में है वर्ल्ड में, परचेजिंग पावर पैरिटी में, ठीक है? नहीं लिखवाया था क्या? और कंट्री कौन सा था जिसका सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम, कौन सी कंट्री की सबसे ज्यादा है? लग्जमबर्ग का कितना है, लग्जमबर्ग का पर कैपिटा इनकम जो है ना 1,43,304 है, 48 है, 143,304 है, ठीक है? और भारत का कितना है, वही 7,166 प्रति व्यक्ति है। इसको में हम लोग देखेंगे। अभी बस आप देखिए कि पीपीपी के आधार पर यानी परचेजिंग पावर की क्रय शक्ति समता के आधार पर ये स्थिति है, और ये वास्तविक मानी जाती है, रियल मानी जाती है, ठीक है? क्योंकि हम इतना चीजें खरीद सकते हैं। मैंने एक कॉफी का एग्जाम्पल भी दिया था कि एक डॉलर में आप न्यूयॉर्क में एक कॉफी खरीदते हो, और पता चलता है कि वहीं एक डॉलर में यहाँ आपको अशोक राजपथ में 10 कॉफी मिल जाती है। तो डॉलर के इक्विवेलेंट क्या हो गया कि यानी 10 रुपया में यहाँ पे आपको एक कॉफी मिल रही है, यानी क्रय शक्ति समता। वहां पे भी हम परचेज कर रहे हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति जो समानता है, उस आधार पे एक डॉलर का इक्विवेलेंट कितना हुआ, 10 रुपया हुआ ना।
लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में OECD ने बताया कि एक डॉलर का इक्विवेलेंट जो है 17 रुपया है, ठीक है, लेकिन अभी रिसेंट में 24 रुपया के आसपास है, इसीलिए हमने 24 से डिवाइड करके आपको बताया, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा है चाइना, अभी चाइना का, उसका है 18,187 डॉलर, यस।